यादव, गंगा सेवा निधि ट्रस्ट सचिव। सर, देव दीपावली की इस समय क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, घाटों को किस तरीके से सजाया जा रहा है? देखिए, जो घाट टूटा फूटा रंग रोगन के साथ साथ सारे बाढ़ के समय सब हट जाता है, सब नया फिर से लग रहा है और हम लोग 23 नवंबर की तैयारी जोर शोरों से कर रहे हैं। और इस बार का देव दीपावली ऐतिहासिक देव दीपावली होगा, हम लोग इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या कुछ अलग तरीके की तैयारियां भी की गई हैं इसको लेकर के? मुख्यमंत्री जी के आने पर भी उनके लिए अलग से तैयारी करते हैं, हम लोग करेंगे भी और इस तरह भी देव दीपावली का एक अपना अलग ही महत्व। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अलग तरीके से दशाश्वमेध घाट पर दिए लगाए जाएंगे, कुछ और तैयारियाँ? यह हर साल होता है, हर घाटों से अलग दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली किया जाता है, क्योंकि यहाँ से ही देव दीपावली की शुरुआत है, यहीं से देव दीपावली का महत्व हुआ है। क्या शहीदों को श्रद्धांजलि? बिल्कुल, शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। दिवाली का त्यौहार खत्म होते ही काशीवासी अब देव दीपावली की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं। जहां अलग अलग तरह से देव दीपावली मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं यहां के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देव दीपावली में शामिल होने के लिए बनारस आने वाले हैं, इसलिए हर तरह से मुकम्मल तैयारियां काशीवासी कर रहे हैं। अनु मधवेदी, ईटीवी भारत।